हेलो दोस्तों, आज दी वीडियो दे विच आपां कुछ हटके गल करन जा रहे हां। आज दी वीडियो तुहानूं दसन जा रही हां कि इंडिया अते कैनेडा दे विच की फर्क है। सो नॉर्मल गल्लां ने अज दी वीडियो दे विच, सो अज आपां वीडियो दे विच यही गल करनी है कि कैनेडा ते इंडिया दे विच की फर्क है। सो वीडियो नूं शुरू तों लैके एंड तक जरूर देखियो, तुहानूं काफी कुछ नवीं जानकारी जरूर मिलेगी। सो अगर साडे चैनल ते पहली बार आए हो अते साडी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। चलो आप हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप गल करन जा रहे हैं कि इंडिया के कैनेडा के बीच की फर्क है, ताकि जो नए बच्चे इंडिया तो कैनेडा जा रहे हैं उन्होंने पता लग जाए कि उत्थे जाके उन्होंने कैनेडा के बीच किस ढंग उन्होंने रहना है और किस ढंग का उसका एनवायरमेंट है। सब तो पहला आप गल करन जा रहे हैं वैदर की। जे गल करिए इंडिया की, तो इंडिया के मोस्टली गर्मी होंगी है, सिर्फ दिसंबर जनवरी के जाके ठंड पैंदी है जिहड़ी कि आपां बर्दाश्त कर लैंदे आ, नॉर्मली हुंदी है। तो उस तो बाद मौसम ठीक रहता है, जून जुलाई के जाके गर्मी पैंदी है, ये तुहानूं सबनूं पता है। लेकिन अगर आपां कैनेडा की गल करदे आ तां कैनेडा के ठंड ज़्यादा पैंदी है। मीनस कि अगर तुसीं इंडिया तो कैनेडा जा रहे हो तो तुहाडा सीरियस तरह का होना चाहिए कि तुसीं ठंड बर्दाश्त कर सको। मीनस के तुहानू ज्यादा कपड़े पा के उत्थे काम करना पड़ेगा। सो उत्थों दा जिहड़ा वैदर है बहुत ज्यादा ठंडा है अपने इंडिया के अकॉर्डिंगली। अगर इंडिया दे नाल दा कंपैरिजन करते हैं आपां तां इंडिया के मुकाबले कैनेडा दे ज्यादा ठंड पैंदी है, ये तो है एक मेन डिफरेंस। नैक्सट अगर आपां गल करिए एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया की गल करते हैं तो इंडिया दे विच की है जी, असी एग्जाम देने, एग्जाम देने तो बाद असी पास हो जाने तो सानू परसेंटेज दे विच अपने नंबर मिल जाते हैं। इस तो अलावा कैनेडा की गल करते हैं तो कैनेडा दे विच की है लैटर ग्रेड सिस्टम चल रहा है। उहदे विच की है कैनेडा दे विच तुसीं फाइनल पेपर तक जाते जाते पहुंचते पहुंचते ही पास हो जाते हो। मीनस कि अगर तुसीं यूनिवर्सिटी दे विच जाते हो तो पहला की है असाइनमेंट के नंबर तुहानू मिलते हैं, फिर तुसीं प्रोजेक्ट वर्क करते हो उहदे नंबर मिलते हैं, फिर टीम मीटिंग के नंबर मिलते हैं, लैब के नंबर मिलते हैं। मीनस कि इस तरह काफ़ी ज़्यादा तुहानू उत्थे काम करने पैंदे ने, फाइनल एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते तुसीं पास हो जाते हो। मीनस कि कैनेडा दे विच पास होना ईजी है, काफ़ी एजेंट डरा देंदे ने बच्चों नूं कि तुसीं उत्थे जाके तुहानू पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तुहानू पढ़ना औखा लगेगा। ऐसी कोई गल नहीं है, तुसीं ईजीली उत्थे जाके पढ़ के वधिया नंबर लै लैंदे। नैक्सट गल करते हैं आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की, मीनस के उत्थे रहन दा किन्ना खर्चा है। तो कैनेडा का आप नॉर्मली गल करते हैं कैनेडा का खर्चा ज्यादा है अपने इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया का खर्च घट है। कैनेडा के विच की है हर चीज का काम है बजट बना के करना पैंदा, उत्थे हर चीज के लिए तुहानू बजट बनाना पैंदा है। जिनी तुसी अपनी कमाई कर रहे हो तुहानू टैक्स पे करना पैंदा है, तो इहदे नाल की है तुहानू अपने पहले ही जिनी थोड़ी कमाई हैगी उहनू बजट बना के चलना पैंदा है, तां कि तुसी पूरा महीना अपनी कमाई दे नाल कढ सको। मीनस के कैनेडा दा जिहड़ा लिविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग है वह महंगा है इंडिया के मुकाबले। नैक्सट गल करते हैं कल्चर, कैनेडा के लोग की ने मोस्टली वेलकमिंग ने, मोस्टली लोग जो उतों के रहने वाले ने वो वाले जेडे इधरों गा जा के उधर पीआर हुए ने वो नहीं, उधरले लोग जो ने मोस्टली वेलकमिंग ने। उत्थे की है सिर्फ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि अपने इंडिया के आप सारे मोस्टली त्यौहारों को प्यार करते हैं, सारे त्यौहारों को बड़े उत्साह मनाया जाता है, चाहे दिवाली है चाहे होली है, सारे फैमिली मैंबर इकट्ठे होंगे ने, नेबर्स इकट्ठे होंगे ने, वधिया ढंग दे नाल सैलीब्रेशन की जाती है। बट कैनेडा दे विच की है लोग अपने काम ते ही ज्यादा ध्यान दिंदे ने, अते उत्थे कोई भी ऐसे जिहड़े फंक्शन वगैरह ने नहीं मनाए जांदे, जिवें त्यौहार वगैरह दिवाली हो गया जां होली वगैरह हो गया, ऐसा कुछ नहीं मनाया जांदा, सिर्फ क्रिसमस दा त्यौहार उत्थे मनाया जांदा। नैक्सट है जी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब की गल करिए इंडिया की गल करिए कैनेडा की गल करिए, छोटियां जां वड्डियां जॉब दोनों जगह ते ही मिल जांदियां, बट फर्क की है, इंडिया दे विच तुहानू रुपइयां दे विच सैलरी मिलनी है अते कैनेडा दे विच तुहानू डॉलर्स दे विच सैलरी मिलती है। सो फ्यूचर दे विच अगर तुसीं वधिया सेविंग करना चाहुंदे हो तां उहदे लई तुहानू कैनेडा बैटर, उत्थे तुसीं रह के
ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, C174 ਨੀਅਰ ਟੋਇਟਾ ਕਾਰ ਏਜੰਸੀ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।